व्यू है, तो देख सकते हैं कितनी मस्त वाली व्यू है। और रास्ते तो बिल्कुल कोई शिकायत नहीं, रास्ते तो एक नंबर मक्खन के तरह है, थोड़ा बहुत आगे ख़राब है, लेकिन ये रास्ता तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन, जैसे नेशनल हाई। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जोधपुर से 150 किलोमीटर आगे की, और ऑलरेडी मैं यहाँ पे पहुँच गया था और अभी जस्ट निकलने का प्लानिंग चल रहा है दोस्तों। और फटाफट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों और उसके बाद ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, करीबन 2.5 घंटा यहाँ से लगेगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट यहाँ से निकलते हैं। अरे हाईवे नहीं, सॉरी, सिंगल रास्ता लेकिन हाईवे ही है। और मैं राजस्थान का एक खासियत आपको दिखा देता हूँ, खासियत यहाँ पर क्या है कि राजस्थान प्रॉपर मैं आया हूँ उस जगह पे, ताकि वहाँ पे मिट्टी का कोई ड्रेस नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, रेत है हर जगह, रेत रेत रेत। बल्लू तो है ही नहीं यहाँ पे, सॉरी बल्लू है रेत वाला, लेकिन बल्लू भी नहीं है, ये है रेत जो राजस्थान में प्रॉपर गर्मी वाली होती है। और यहाँ पे अभी 10 बजने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, और हद से ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और यहाँ पर ये देख सकते हैं रेत, और ये काफ़ी दूर तक ये रेत है, और ये रेत का कहीं अता पता नहीं है कहाँ तक है रेत नहीं है, और ये प्रॉपर गर्मी वाली इलाका है। और मैं जब आया शाम को तो मेरा तो हालत ही ख़राब होने लगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ये बिल्कुल बहुत दूर तक, अब पता नहीं इसका तो कोई दरेस ही नहीं है कहाँ तक है नहीं है, और क्या ही बताऊं। और मैं तो सोच रहा था कि गैस भी नहीं मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी गैस, क्या ही बताऊं, अभी सिर्फ एक टैंकी खाली हुआ है, अभी 5-5 टैंकी मेरे गाड़ी में रखा हुआ है, और अभी जस्ट गैस ही ख़त्म हुआ था सीएनजी, और सीएनजी खोलने के लिए ही मैं रुका था, और मैं ऑलरेडी सीएनजी खोल लिया हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि ये ब्लॉग स्टार्ट करें जोधपुर के आगे से, पता नहीं क्या, हाँ बरनाला ऐसे बिड़वा बरनोल ऐसे कुछ था, बरनोल वगैरह, लेकिन बहुत काफ़ी यहाँ पे सुंदर देखने का व्यू है, तो देख सकते हैं कितनी मस्त वाली व्यू है। दोस्तों क्या ही बताऊँ, एक बुलोरो वाले जो है सवारी वाले ने एक तित्तिर को उड़ा दिया है, और एक तित्तिर बेचारी यहाँ पड़ी हुई थी, और रोड पे उन्होंने उड़ाया, बेचारी यहाँ पे दौड़ते हुए आई, और यहाँ पर शायद ये पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये देख सकते हैं बिल्कुल पानी वगैरह दोस्तों पिला रहा हूँ, अभी देखता हूँ क्या होता है नहीं होता है, इनके साथ बेचारी बच जाए किसी तरह तो बहुत अच्छी वाली बात होगी, तो शायद ये लग रहा है ख़त्म हो गया क्योंकि ब्लड आ गया था दोस्तों। ओह माय गॉड, तो दोस्तों ये देख सकते हैं बिल्कुल ये ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इसके मुंह से ना ब्लड आ गया है दोस्तों, अब ये नहीं रहा दुनिया में, क्या ही बताऊँ, बहुत शर्मंदी वाली बात रहा, और क्या ही बताऊँ मैं, क्योंकि ये बेचारी जो है तित्तिर बहुत अच्छी थी, और इनको उड़ा दिया है ब्लोरो वाले ने, उड़ा दिया दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये ख़त्म हो गई है, और मुझे क्या ही बताऊँ बहुत ही बुरा लगता है, ये किसी ने उड़ा दिया बेचारी को, क्या ही कर सकते हैं, अब एकदम से सामने अगर ये उड़ करके आती है तो फिर बचने का तो मुश्किल चांस होता है। तो ये पक्षी भी इतना सुंदर है, तित्तिर ये नीचे नीचे उड़ता है, ऊपर नहीं उड़ पाती है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसकी डेथ हो गया। अब क्या ही बताएं दोस्तों, इसको पानी वगैरह तो हमने बहुत कोशिश किया पिलाने के लिए, लेकिन ये उतना टाइम तक ख़त्म हो चुकी थी, काश ये बच जाता दोस्तों, तो किसी का जीवन भी बच जाना चाहिए था, जैसे हमारी जीवन है उस तरह इसका भी जीवन है। बेचारी को रोड पे उड़ाया, सामने बिल्कुल रोड पे उड़ाया वहाँ पे, और वहाँ से तो अच्छी तरह से भगते भगते आया रोड पे यहाँ पे साइड में बिल्कुल, ताकि उसको भी पता है कि हम अगर दी रोड पे रहेंगे तो और भी मुझे खतरा आ सकता है, तो हम साइड में चले जाते हैं। साइड में होने के बाद एकदम एक जगह शांत हो गया, उसके बाद मेरी नज़र पड़ी, मैं तो देखा पूरा पंख पंख बिल्कुल उड़ रहा था रोडों पे, उसके बाद मैं देखा वो गाड़ी वाला तो निकल गया, उसके बाद मैं साइड में गया तो देख रहा हूँ ये धीरे धीरे बोल करके आया, साइड में खड़े हो गए, उसके बाद बस खड़े होने के बाद मैं जैसे गया इसको पकड़ने के लिए, बिल्कुल कहीं नहीं भगा इसको, मतलब चोट बहुत ज़्यादा था, मैं फटाफट पानी लिया, फटाफट पानी इसको पिलाया, पानी पिलाने के बाद थोड़ा सा इसको होश आए, होश आने के बाद बिल्कुल ये मतलब छटपट छटपट करने लगा, जैसे दम टूटते हैं उस तरीके से दोस्तों, क्या ही बताऊं, ये बेचारी ख़त्म हो गई, आई एम सो सॉरी हम नहीं बचा पाए,
क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा अंदर से चोट था और मुंह से ब्लड आ गया था इनको, और ये देख सकते हैं ये बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, ये तित्तिर का जो हम क्या ही बताऊं, और इसका भी अलविदा करने का टाइम हो गया है। ये बेचारी दुनिया में तो नहीं रहा, और इसको अच्छी तरह से अब थोड़ा दूर आगे आ करके मैं सोच रहा हूँ इसको अब छोड़ देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तो ख़त्म हो चुकी है। ये देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं मेरे हाथ में भी इसका ब्लड लगा है। तो क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, इसके ब्लड मुंह से आ गया है। आपको दिखाता हूँ इसका, ओहो मतलब टाइट जो भी है खोटा चीटी वगैरह जो भी है ख़त्म हो जाएगा खा करके इसको। तो क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, ये रहा दोस्तों, हम यहाँ पे रख देते हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम रख दिया यहाँ पे, अब निकलते हैं दोस्तों हम भी, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, अगर किसी का डेथ हो जाता है तो क्या ही कर सकते हैं, वो दोबारा दुनिया में आ नहीं सकता है। ये भी बेचारी इंसान है, लेकिन ये बोलती तो नहीं है, बोलती है लेकिन इंसान की तरह नहीं बोलती है, बेचारी जानवर है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, जो चीज़ हो गया ख़त्म जो हो गया, अब दोबारा तो आ नहीं सकता है दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो चलते हैं, बाय बाय तित्तिर, क्या ही कर सकते हैं आपके लिए, आई एम सो सॉरी नहीं बचा पाया आपको। तो चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं फटाफट यहाँ से। चलिए दोस्तों, क्या ही बताऊँ, अभी फास्ट टैग में मेरा रिचार्ज नहीं था, और अभी जस्ट किया हूँ फास्ट टैग में रिचार्ज, पता भी नहीं चला। वो बेचारी पक्षी को ही विदा करने के टाइम में मैं व्यस्त रहा उधर ही, और मेरे फ़ोन में रिचार्ज सॉरी फास्ट टैग में रिचार्ज नहीं था। तो दोस्तों, ये रहा टोल टैक्स, में पहुँच गया हूँ, और इस टोल टैक्स पे अभी मैं खड़ा हूँ। करीबन बोला है 5-10 मिनट आप वेट करो, उसके बाद एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आप निकल जाना। तो फाइनली दोस्तों, अभी देखते हैं वेट वगैरह करते हैं, अभी रिचार्ज वगैरह तो मैंने कर दिया था, और अभी देखते हैं दोस्तों फटाफट एक्टिवेट होते ही उसके बाद निकल चलेंगे। गाइस फाइनली मैं पहुँच गया हूँ ट्रांसपोर्ट पर, ये देख सकते हैं चेक द साउंड लगा दिया हूँ, और ये रहा ट्रांसपोर्ट, कुमार ट्रांसपोर्ट। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए, अब देखते हैं, नंबर वगैरह तो लिखवा दिया दोस्तों, अब देखते हैं कितना टाइम वगैरह लगता है, और भाड़ा अगर दी बोलेगा तो आज निकल जाएंगे, क्योंकि आज शनिवार है, तो संडे को तो बंद ही रहता है, बंद नहीं सॉरी खुला तो रहता है ऐसे, संडे को हर जगह ही कम माल मिलता है। देखते हैं दोस्तों, दिल्ली का तो एक ही पिकअप है, मेरा ही सिर्फ है, और ये तो HR 61 है, ये है रोहतक साइड का। तो चलिए दोस्तों, अभी जाते हैं थोड़ा बैठते हैं उसके बाद। तो फाइनली दोस्तों, क्या ही बताऊँ, बहुत शर्मिंदा वाली बात है, और आज मुझे माल नहीं मिला है बिल्कुल, आज पूरी दिन ऐसे ही निकल गया, बस खाना खा के आया होटल पे, उसके बाद सो गया मस्त, उसके बाद तो काम आया ही नहीं, और मेरा आज लोडिंग नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं गाइस, क्या ही बताऊँ, कल का मेरा लोडिंग कन्फर्म हो चुका है, और दिल्ली मालवीय नगर के लिए मेरा लोडिंग कन्फर्म हो चुका है दोस्तों, और आज माल नहीं मिला है, तो मैं सोचा क्यों ना कुछ बना लें, तो आज चिकन वगैरह लाया हूँ दोस्तों मस्त, और चावल वगैरह तो ऑलरेडी बन भी चुका है, ये देख सकते हैं चेक दिस आउट, ये चावल बन चुका है, और सारा कुछ मसाला वगैरह ले आया हूँ, और आज सिलेंडर में मेरे सिलेंडर में गाड़ी में मतलब गाड़ी में नहीं खाना बनाने वाला सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गया था दोस्तों, और गैस भी मैं डलवा के आया हूँ, गैस डलवा के आया, और मार्केट वगैरह मस्त कर लिया हूँ, और चिकन वगैरह ले आया था ऑलरेडी, प्याज वगैरह टमाटर वगैरह और लहसुन अदरक सारा कुछ मैं ले आया हूँ, ये देख सकते हैं अभी तो धनिया पत्ता वगैरह भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं गाइस, माल नहीं मिला, लेकिन आज अगर हम खाली टाइम बैठते हैं तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना अपना खाना बना लें, अपना हाथ का खाना बनाने के कुछ और ही मजा है, तो इसलिए मैं सोचा खाना वगैरह बना लेते हैं मस्त, और उसके बाद अपने हाथ का खाते हैं। क्या ही बताऊँ, आज होटल में गया था गाइस खाना खाने के लिए, क्या ही बताऊँ, सिर्फ ओनली 4 रोटी खाया, उसके बाद दाल खाया, क्या ही बताऊँ 150 रुपये उसने चार्ज किया। मैं बोला यार ये क्या खाना है भाई, बिल्कुल खाना ऐसे ही है, 150 रुपये आप चार्ज कर रहे हो, कह रहा है क्या है बताओ राजस्थान है, मतलब कोई बात नहीं राजस्थान है तो आज हमारा दिल्ली आ जाएगा। इसलिए गाइस मैं फैसला लिया हूँ कि मैं खुद अपनी गाड़ी में बनाऊँगा मस्त खाना, और वो भी चिकन बनाऊँगा, अगर 150 का बनाऊँगा 3 टाइम खाऊँगा, तो इसलिए गाइस चिकन बना रहा हूँ गाड़ी में, और ये देख सकते हैं चेक द साउंड, बिल्कुल चिकन चढ़ा हुआ है, चावल तो आपको दिखाई दिया, ये चेक करें गाइस, ये तो ये चेक करें गाइस मस्त मेरा, क्या ही बताऊं, बातें में ये देख सकते हैं ये बूझ गया है, और मुझे बदबू आ रहा था कि किस चीज़ का बदबू आ रहा है। तो चलिए दोस्तों फटाफट इसको जलते हैं, कहाँ गया माचिस। तो चलिए दोस्तों, ये जला दिया है गैस, और ये देख सकते हैं
बिल्कुल चेक द साउंड, बिल्कुल मस्त कलर, तो अभी से क्या ही बताऊँ, मस्त कलर आ रहा है। और आज तो यही है अपने, मतलब हाथ का खाने का कुछ मज़ा ही कुछ और है, आपको पता ही है दोस्तों। फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा चिकन जो है पानी वगैरह दे दिया हूँ मस्त, और भूजा हुआ तो हो गया था दोस्तों, ये देख सकते हैं, चेक द साउंड, बिल्कुल भूजा हुआ निकाला हूँ लेग पीस, और दो पीस निकाला हूँ, मतलब एक ये वाला है और एक ये लेग पीस है। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा खाना निकल चुका है, और ये चावल थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था इसलिए मैं चावल को निकाल करके इस थाली में रख दिया हूँ, और ये देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब खाने का तैयारी हो गया है बिल्कुल अच्छी तरह से, और फटाफट यहाँ पे खाते हैं दोस्तों, और उसके बाद बस आराम करेंगे। ये देख सकते हैं बिस्तर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे लग चुका है दोस्तों गाड़ी में। तो चलिए दोस्तों खाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा टेस्ट है। चलिए दोस्तों खाते हैं। तो फाइनली दोस्तों खाना पीना खा करके मैं मस्त रेडी हो गया हूँ, और क्या ही बताऊँ मस्त मज़ा आ गया, हल्का सा मिर्ची ज़्यादा लग गया था और क्या ही बताऊँ, लेकिन हाँ खाना मस्त था। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग से हम यही एंड करते हैं, आई होप हमारा ब्लॉग सबको पसंद आया हो, अगर भी पसंद आया हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।